अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मार्ट किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं तरबूज के छिकल से टूटी फूटी। टूटी फूटी हमारे बहुत काम आती है, हम इसे केक में, आइसक्रीम में या फिर जर्दे में यूज करते हैं, और भी कई तरह की डिशे होती हैं जिसमें से यूज किया जाता है। तो इसे हम बनाने वाले हैं तरबूज के छिकल से। तो ये सारी पीस हमने कर लिए हैं, दो पीस हमने बचा कर रखे हैं कि आपको हम दिखा दें कि इसे हमने कैसे काटा है। तो सबसे पहले ये तरबूज का जो लाल हिस्सा है इसे हम हटा देंगे। तो ये लाल हिस्से को हम इस तरह हटा देंगे और इसके छिकल को छील लेंगे। तो यहाँ हमने इसके छिकल को हटा दिया है, ये देखिए, अब इसे हम काट लेंगे, यानी इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तरबूज के छिकल के हमने पीस कर लिए हैं इसे छील, अब इसे हम रखेंगे पकने के लिए। तीन से चार गिलास पानी को गर्म कर लिया है, पानी में अच्छी तरह उबाल आने लगा है। अब इसमें हम डाल देंगे ये तरबूज के पीस। गैस को यहाँ फुल पर रखेंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। तो ये देखिए 12 से 15 मिनट लगे, ये अच्छी तरह ट्रांसपेरेंट दिखने लगा, ये देखिए। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसके पानी को हम हटा देंगे और चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए एक गिलास पानी में हम एक कप चीनी डालेंगे। गैस को यहाँ फुल पर रखेंगे और चीनी के मेल्ट होने तक हम इसे पका लेंगे। अगर आपको लगता है यह पानी कम है तो फिर आप इसमें आधा गिलास के करीब पानी को और मिला लें। चीनी जब अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो अब इसमें हम डाल देंगे ये तरबूज के पीस। गैस को यहाँ फुल पर ही रहने देंगे और फुल फ्लेम पर ही इसे पकने देंगे। तो ये देखिए चाशनी का पानी अच्छी तरह पक गया है और इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। तो अब हम गैस को बंद करेंगे और इसमें हम मिलाएंगे कलर। तो हम यहाँ पर तीन कलर की टूटी फूटी बना रहे हैं, ऑरेंज, रेड, ग्रीन। तो हमने यहाँ पर ये तीन कटोरियाँ ले ली हैं। तो पहले हम मिला लेते हैं ये ग्रीन कलर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक कटोरी में हमने ये ग्रीन कलर लगा दिया है। अब इस चम्मच को हम हटाएंगे और जब हम दूसरा कलर डालेंगे तो दूसरी चम्मच यूज करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ऑरेंज कलर, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। कलर डार्क या लाइट आप अपने हिसाब से कर लें। तो रेड कलर हमारे पास लिक्विड वाला है तो ये डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रीन, ऑरेंज और रेड तीनों कलर हमने डाल दिए हैं। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए ताकि इस पर कलर अच्छे से चढ़ जाए। टूटी फूटी को कलर में रखे हुए 7 से 8 घंटे हो गए हैं, अब इसे हम रखेंगे सूखने के लिए। तो एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे हम ये छन्नी। तो छन्नी पे हम इसलिए रख रहे हैं इसमें जो एक्स्ट्रा कलर होगा वो निकल जाएगा। अब इसे हम धूप में रखकर सुखा लेंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो फिर इसे पंखे के नीचे सुखा लें। 3 दिन की धूप लगाने के बाद में गुलाब कतरी अच्छी तरह सूख गई है, ये देखिए। अब इसे आप एक एयर टाइट जार में भर कर रख सकते हैं, जब भी आप आइसक्रीम, केक या फिर जर्दा बनाए आप उसमें से यूज कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।